गुड इवनिंग एवरी वन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर के कॉन्सेप्ट क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अपडेट करना ज़रूरी है सो so, प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अपडेट करो और फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम टू जो मेरी बुक है उसको भी अपडेट करना ज़रूरी है। जैसे ये बुक है कॉनेमेटिक्स वॉल्यूम टू इसमें आपको कॉनेमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट विद डेरिवेशन, लेबल डायग्राम, एनालिसिस एवरीथिंग आपको डिटेल में मिलेगा लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम टू आप अपडेट कर लोगे इस बुक को पढ़ने से पहले तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आपको इस बुक के फोर्टी टू पेज पे मिलेगा रिलेटिव मोशन वैलिड इन वन डी टू डी एंड थ्री डी मोशन इसमें मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन आप इस फिगर में एक बॉडी वन है एक बॉडी टू है बॉडी वन भी मोशन में है बॉडी टू भी मोशन में है एक ऑब्जर्वर बॉडी वन पे खड़ा है आमीन जो ऑब्जर्वर है वो बॉडी वन के ऊपर खड़ा है और ये लगातार बॉडी टू को देखे जा रहा है। किसी टाइम इंटरवल में बॉडी वन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वन वैक्टर है बॉडी टू का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टू वैक्टर है ये ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखता है आमीन इनर्सल फ्रेम को ये भी ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखता है इनर्सल फ्रेम को ये जो ऑब्जर्वर बॉडी वन पे खड़ा है उसको बॉडी टू में डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा इसको जो कुछ भी दिखाई देगा उसी को कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका जो एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है वो ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन डिफाइंड आज डेल्टा आर टू वैक्टर माइनस डेल्टा आर वन वैक्टर इसका थ्यूरी ये होता है कि जिस बॉडी पर ऑब्जरवर खड़ा है उस बॉडी का जो डिसप्लेसमेंट होगा उसको इस फार्मूले में माइनस के साथ लिया जाएगा ऑब्जरवर की क्वान्टिटी माइनस के साथ ली जाती है और जिस बॉडी को वो देख रहा है उसकी क्वांटिटी पहले लिखी जाती है ऑब्जर्वर की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है वैक्टर मेथड्स इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है इससे मिलता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन अब इसके लिए वैक्टर डिफरेंस कांसेप्टिजिकल मैथमेडिक्स वॉल्यूम टू में पढ़ोगे सो वी है सो बाई पुटिंग इनिशियल्स ऑफ द टू वैक्टर्स डेल्टा आर वन इज ड्रॉन डेल्टा आर टू इज ड्रॉन एंड देर टर्मिनल्स ज्वाइन टूगेदर एंड टर्मिनल इज मार्क दर्मिनल ऑफ सेकेंड वैक्टर डेल्टा आर टू के टर्मिनल के पास इस वैक्टर का टर्मिनल बना दो इसको ऐसे मिला दो ये कल आता है डेल्टा आर टू वन डेल्टा आर टू वन का मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वे सपोज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स इज थीटा इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा ऐसा मान लो तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कोसाइन फार्मूला पढ़ते हो कोसाइन फार्मूला से थीटा के सामने वाली साइड का मैग्नीच्यूड निकालना पड़ते हो कोसाइन फार्मूले से इस वाली साइड का जो मैग्नीच्यूड होगा कुछ ऐसे होगा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर टू स्क्वायर माइनस टू इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वन मॉडुलर्स ऑफ डेल्टा आर टू इन कॉस थीटर इस फार्मूले में सारी क्वांटिटी पुट कर दो आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा फिर इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होगा सपोज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर्बन के साथ फाइव एंगल फॉर्म कर रहा है इस फाइव एंगल का एक फार्मूला होता है फाइव इक्वल्स टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ डेल्टा टू साइन थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर्बन माइनस मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर टू कॉस थीटा इस पूरे को सॉल्व करो उसका टेन इन्वर्स ले लो उससे आपको फाइव की वैल्यू मिल जाएगी इस फार्मूले से डायरेक्शन मिलेगा और इस फार्मूले से मैग्नीट्यूड मिलेगा ये था रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बैन सिंबल v रिलेट और वी टू वन वैक्टर सिमिलर डेफिनेशन वी टू माइनस वी वन जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसकी ब्लास्टिक माइनस में लिखी जाती है और जिस बॉडी को ऑब्जर्वर देख रहा होता है उसकी ब्लास्टिक प्लस में लिखी जाती है फिर वेक्टर मेथड से इन दोनों का डिफरेंस निकालोगी और वो जो वैक्टर डिफरेंस होगा वो होगा रिलेटिव इलास्टी ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बन आपको याद रखना होगा कि जिस भी बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है उस बॉडी की क्वांटिटी माइनस साइन में ली जाती है और ये डिफरेंस सॉल्व करने पर आपको मिलेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सॉरी रिलेटिव इलास्टी ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बन इसका डायग्राम देखो यह है बॉडी बन well. और ये है बॉडी टू एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम बॉडी टू की एक्चुअल वेलोसिटी वी टू है बॉडी वन की एक्चुअल वेलोसिटी वी वन है ये एक्चुअल दिखता किसको है ये एक्चुअल ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखता है आई मीन इनर्शियल फ्रेम को ये जो एक्चुअल है भी ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखता है लेकिन कोई ऑब्जर्वर बॉडी वन पे खड़ा किया गया है और बॉडी वन पे खड़े होकर ये टू को देखेगा इसको ये वेलोसिटी वेक्टर कत्ते ही दिखाई नहीं देगा इसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा आई मीन वी टू वन इसको भी निकालने के लिए आपको वेक्टर डिफरेंस की थ्योरी लेनी होगी वी वन वेक्टर ड्रा कर लो उसके इनिशियल पे वी टू का इनिशियल पुट करो वी टू वैक्टर ड्रॉ कर लो दोनों का इनिशियल मैच होना चाहिए फिर दोनों वैक्टर के टर्मिनल को मिला दो V2 के टर्मिनल के पास टर्मिनल बना दो इसको लेख डालो V2 टू वन वैक्टर यही है रिलेटिव इलास्टी ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 1। सपोज बिटवीन टू इज थीटा तो फिर यहाँ कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल करो और वी टू वन का मैग्नी निकालो देखो क्या किया मॉडुलस ऑफ वी टू वन और मॉडुलस ऑफ वी रिलेटिव इक्वल्स अंडर रूट मॉड वी वन स्क्वायर प्लस मॉड वी टू स्क्वायर माइनस टू मॉड वी वन v2 वी टू इंटू कॉस थीटा सारी क्वांटिटी पुट करो कैलकुलेट करो रिलेटिव लास्टिक का मैग्ने आएगा। फिर रिलेटिव लास्टिक वी वन के साथ एंगल फाइव बना रही है एंगल फाइव के लिए फार्मूला यूज करो फाइव प्लस टेन इनवर्स मॉड वी टू साइन थीटा अपॉन मॉड वी वन माइनस मॉड वी टू कॉस थीटा सारी क्वांटिटी पुट करो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा तो ये रहा रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से डायरेक्शन आएगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्रॉसिंग ऑफ ए रिवर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों क्रॉसिंग ऑफ ए रिवर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो एनालिसिस है डेरिवेशन से वो बहुत मैथमेटिकल है उसमें वैक्टर यूज़ होता है कैलकुलस यूज होता है बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन से घबराते हैं जिनको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है डेरिवेशन से जिनको डर लगता है अच्छा नहीं लगता वो मेरे बुक कॉनमेटिक्स वॉल्यूम वन पढ़े वहाँ पे फार्मूले बताए गए हैं और उसको अप्लाई करना सिखाया गया है लेकिन आज मैं जो बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कॉन्मेटिक्स वॉल्यूम टू है उसमें सारी डेरिवेशन डिटेल में बताए गए हैं तो आई होप ये लेक्चर उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनको डेरिवेशन अच्छा लगता है जो मैथमेटिकल अपलिकेशन फिजिक्स में इंजॉय करते हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा तो बहुत ही फोकस होके कंसंट्रेट होके आप डेरिवेशन देखोगे तो समझ आएगा और आप स्क्रीन से निगाहें हटाओगे तो प्रोबेबली कुछ मिस कर जाओगे कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी सो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ उसका बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करोगे व्यू करोगे वॉच करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा सो प्लीज डू इट। क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर इस डायग्राम में एक रिवर दिखाया गया है ये रिवर है किसी रिवर को ऊपर से देखा जाए तो उसको एक लेफ्ट बैंक दिखाई देगा एक राइट बैंक दिखाई देगा ये रिवर का वेथ है ये डाउन स्ट्रीम साइड है और इधर अपस्ट्रीम साइड है डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उस डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम कहते हैं और उसका ठीक अपोजिट अपस्ट्रीम बोलते हैं मैंने क्या किया एक ओरिजिन डिफाइन किया इसको एक्स एक्सिस डिफाइन किया और इसको वाई एक्सेस डिफाइन किया एक स्विमर ओरिजिन से टी क्वस जीरो पे स्विम करना शुरू करता है इस डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ये जो वेलोसिटी है इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर और मैन और बोट रिलेटिव टू वाटर ये रिलेटिव वेलोसिटी है इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ एक स्विमर अपनी बॉडी का एक्सिस इस डायरेक्शन में घुमा लेता है और हाथ पैर चलाना शुरू करता है इस डायरेक्शन में बॉडी को घुमा लेता है और इसी डायरेक्शन में हाथ पैर चलाना शुरू करता है उसकी बॉडी में जो वेलोसिटी डेवलप होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती मीन टू से ये वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी ये वेलोसिटी वाटर ऑब्जर्वर को दिखेगी इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एक ऑब्जर्वर वाटर पे खड़ा किया जाए उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दिखेगी मतलब क्या होगा? वाटर ऑब्जर्वर कैसे डिज़ाइन करोगे वाटर तो बह रहा है मोशन में है वाटर वेलोसिटी कितनी है वी डब्ल्यू तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि वाटर ऑब्जर्वर फेस में कैसे क्रिएट होगा बचपन में आपने कागज की नावे बनाई होंगी और कागज के नाव को किसी नदी तालाब में झील में तैराया हो कागज के नाव को <coughs> कागज की नाव को अगर पानी पे रख दिया जाए तो वो नाव पानी के साथ साथ बने लगती है बहुत हल्की होती है और कागज के नाव में वही वेलोसिटी डेवलप हो जाती है जो वाटर की एक्चुअल वेलोसिटी होती है अगर उस कागज़ के नाव में एक इमेजनरी स्मॉल ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं, वेरी स्मॉल वेरी लाइट इमेजनरी ऑब्जर्वर, उस नाव पे खड़ा कर दूं, तो उस ऑब्जर्वर की बॉडी को वाटर की वेलोसिटी मिल जाएगी वो ऑब्ज़र्वर वाटर की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा नाव के साथ साथ तो उस ऑब्जर्वर को हम लोग वाटर ऑब्जर्वर कर सकते हैं इस नदी में कागज के नाव पे एक नन्हा सा ऑब्जर्वर बहता चला जा रहा है और उसकी बॉडी में वेलोसिटी कितनी है वी डब्ल्यू उसको कहूँगा वाटर ऑब्जर्वर अगर वो अपनी निगाहों को घुमा के सिमर को देखना चाहेगा तो सिमर की बॉडी में उस ऑब्जर्वर को ये वाली वेलोसिटी दिखाई देगी इसीलिए इसको कहा गया रिलेटिव ऑफ मैन आर रिलेटिव ऑफ स्विमर आर रिलेटिव ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर ये थ्योरी बोट पे भी काम करती है इसलिए मैन की जगह पे बोट भी लिया जा सकता है तो ये है रिलेटिव ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये ग्राउंड ऑब्जर्वर को बिल्कुल नहीं दिखेगा ये वाटर ऑब्जर्वर को दिखेगा सवाल ये है कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा मैं इसके लिए थ्योरी बनाने जा रहा हूँ देखो vmw relative velocity of swimmer or man or both relative to water vw velocity of river water stream d width of river and suppose vm or v net is actual or resultant velocity of swimmer as seen by स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर और इनर्सल फ्रेम ये मैन की बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी है और ये एक्चुअल वेलोसिटी मैन की बॉडी का किसको दिखेगा ये ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा या इनर्सल फ्रेम को दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर जो नदी के किनारे आपका दोस्त है अगर उसको आप ले गए हो घुमाने के लिए और अगर वो रिवर के किनारे बैठा हुआ है तो उस लड़के को आपके बॉडी में ये वाली ब्लास्टी दिखेगी अब ये वाली ब्लास्टी हम लोग वैक्टम मेथड से निकालेंगे कैसे तभी अभी जो रिलेटिव ब्लास्टी रिवाइज कराया हूँ उसका कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। रिलेटिव ब्लास्टी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डिफाइंड एज वी एम माइनस वी डब्ल्यू जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी क्वांटिटी मानस में लिखी जाती है और ऑब्जर्वर वाटर पे खड़ा है कागज की नाव पे खड़ा है तो उसकी विलासिटी मानस में ली जाएगी और ये जो डिफरेंस है उससे आपको मिलेगा रिलेटिव वालासटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर मैं वीएम का फार्मूला डेवलप करूँ इसको इधर ट्रांसफ़र करना होगा इसको ट्रांसफर करने पर वी का ये फार्मूला मिलेगा आई I मीन mean, वी और वी डब्ल्यू इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैक्टर होगा वो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी होगा और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए पलेलो ला यूज करते हो तब मैं लोग ग्राम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और वहाँ समझाता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट उससे मैन की एक्चुअल वेलोसिटी कैसे मिलती है ऊपर डायग्राम में फिर से वापस आ जाओ ये हो गया वी डब्ल्यू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये हो गया वी एम डब्ल्यू रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का इनिशियल ओरिजिन पे रखो और एक पेलेलोग्राम कंप्लीट करो According to parallelogram law, the diagonal passing through their crossing point, diagonal passing through their intersection point, gives you resultant vector. I mean v net or v m. थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि जो v m vector होगा, वो इन दोनों का क्या होगा? Resultant होगा. और जो resultant होता है, वो इस diagonal से present होता है. वेक्टर को आप या तो नेट वेलोसिटी कह सकते हो या वी वेक्टर कह सकते हो वी वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर यानी कि एक लड़का अगर नदी के किनारे खड़ा है तो उस लड़के को स्विमर की बॉडी इधर के बजाय इस डायरेक्शन में बहती हुई नजर आएगी स्विमर की बॉडी इस टेढ़े डायरेक्शन में बहती हुई नजर आएगी और स्विमर पॉइंट पी पे पहुंचेगा पॉइंट पी पे पहुंचेगा तो पॉइंट पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से सपोज मैंने एक्स दिखाया जब स्विमर पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा तो कहा जाएगा कि उसने रिवर को क्रॉस कर लिया जब वो स्विम करना यहां शुरू किया था वर्जन का कोऑर्डिनेट था जीरो कामा जीरो और स्टॉप वॉच की रीडिंग थी टी प्लस जीरो जैसी वो पॉइंट पी पे पहुंचता है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमाडी एक्स कामाडी और स्टॉप वॉच की रीडिंग हो जाएगी कैपिटल टी और ये जो स्टॉप वॉच का रीडिंग होगा यही क्रॉसिंग टाइम कहलाएगा एक्चुअल क्रॉसिंग टाइम तो एक्चुअल क्रॉसिंग टाइम टी एक्स को हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं लेटरल ड्रिफ्ट लेटरल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। तो एक्स का फार्मूला और क्रॉसिंग टाइम टी का फार्मूला कैसे डिराइव होगा ये बताने जा रहा हूँ इस डायग्राम को फिर से देख लो ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन दिस इज परसीव्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर और इनर्शियल फ्रेम एक्चुअल वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में कैसे लिखा जाए ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन ए रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर वैक्टर आप वीएमडब्ल्यू को आई कैप जे कैप में कैसे कन्वर्ट करा जाए देखो वेक्टर की थ्योरी आप ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा किसी भी वेक्टर के एक्स वाई कंपोनेंट निकालो और एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा दो और वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप लगा दो तो पूरा का पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाता है तो वी एम डब्ल्यू वैक्टर का पहले मैं एक्स वाई कंपोनेंट सिखा रहा हूँ डायग्राम फिर देखो वी एम डब्ल्यू वैक्टर का थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट आएगा ये कॉस में होगा डायरेक्शन पॉजिटिव वाई में होगा इसके साथ लगेगा जे कैप जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव एक्स में होगा वी एम डब्ल्यू का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और ये साइन थीटा में होगा डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगा नेगेटिव एक्स में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप लगेगा वाई कंपोनेंट प्लस वाई में होगा और ये कॉस में होगा और यूनिट वेक्टर जे कैप लगेगा तो मैं वी एम डब्ल्यू को कैसे आई कैप जे कैप में लिखा हूँ देखूँ यह है तुम्हारा एक्स कंपोनेंट वी एम डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई कैप क्योंकि वो निगेटिव एक्स में था यह है वाई कंपोनेंट वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू जे कैप क्योंकि वो पॉजिटिव आई में था अब वी डब्ल्यू को फॉर्म में कैसे लिखोगे डी डब्ल्यू वैक्टर डाउन स्ट्रीम साइड में है आई मीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है जब ये पहले से एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं होगी सीधे सीधे इसके मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई करना होगा जो इनक्लाइन वैक्टर होते हैं जैसे ये इनक्लाइंट है कॉम्पोनेंट इसी का लिया जाता है ये पहले से एक्स में है तो मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूँ वी डब्ल्यू वैक्टर टीटन एज मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप तो राइट हैंड साइड में आई कैप के दो टर्म हो गए इसमें से आई कैप ले लो कॉमन ले लिया ब्रैकेट में आएगा वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन टीटा जे कैप का सिंगल टर्म है उसको अलग से लिख डालो आई कैप का कॉप्सन वी एक्स लिख डालो जे कैप का आप भी वाई लिख डालू अब जब टू डायमेंशनल मोशन आप पढ़ोगे तो टू डायमेंशनल मोशन में किसी वेलोसिटी को कैसे लिखते हो ऐसे लिखते हो ये जनरल थ्योरी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इसको कहते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी इसको कहते हैं वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी इस पूरी क्वांटिटी को वी एक्स और इस पूरी क्वांटिटी को वी वाई कहोगे। ये दोनों कंपोनेंट किसके हुए वी एम वैक्टर के हुए वी एम वैक्टर क्या है मैन या स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखती है ये एक्चुअल वेलोसिटी है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखती है और इसी एक्चुअल वेलोसिटी के ये दोनों कंपोनेंट हुए तब इन दोनों कंपोनेंट को मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ इसको वी एक्स और इसको वी वाई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ सीमर वी एक्स इक्वल्स वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट वी वाई इक्वल्स वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा अब इन दोनों फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं कि टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द रिवर कैपिटल टी इक्वल्स एक्स वाई वी एक्स डी बाई वी वाई ये डिड्यूस किया जा सकता है और मैं इसका डेरिवेशन आपको सिखा दूंगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स का फॉर्मूला ऐसे बनेगा एक्स को आपने क्या डिफाइन किया था लेटरल ड्रिफ्ट ऑफ दिवर और बोट सो एक्स इक्वल्स डी इन टू फॉर्मूले का डेरवेशन में आपको सिखाने जा रहा हूं जिसको डेरवेशन में इंटरेस्ट उसको अच्छा लगेगा सो वी हैव इस्टेब्लिश द टैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलासिटी इज दिस कॉम्पोनेंट इज दिस इसमें एक अजम्पन है वी डब्ल्यू वी एम डब्ल्यू एंड थीटा आर सपोज टू बी कॉन्सटेंट इन टाइम एंड स्पेस माना गया है कि ये तीनों क्वांटिटी लगातार स्विमर के लिए कांस्टेंट बना हुआ है माना गया है रियल में ऐसा नहीं होता रियल में ऐसा नहीं होता ये जो वीएमडब्ल्यू है ये स्विमर की बॉडी के स्टेमिना पर डिपेंड करता है शुरू में हाथ पैर तेज चलाएगा बाद में थकेगा तो धीरे धीरे हाथ पैर चलाएगा तो ये जो वेलोसिटी है वो घटेगी मैग्नीट्यूड इसका घटेगा लेकिन यहां पे डेरिवेशन में इसको कांस्टेंट माना जाएगा थीटा जितने एंगल पर अपने बॉडी को घुमाया था वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर घुमा के वो हाथ पैर चला रहा था थीटा को भी वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख पाएगा वाटर में इतना फोर्स होगा कि वाटर के फोर्स की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी घूम जाएगी और ये थीटा भी बदल जाएगा लेकिन यहाँ पे आडियल एजम्पशन है कि वो थीटा एंगल को कॉन्सटेंट मेंटेन रख रहा है तो ये सिर्फ एजम्पन है रियल में ऐसा नहीं होता वेलोसिटी ऑफ वाटर को भी यहाँ कांस्टेंट माना गया है पूरी रिवर में इसको कांस्टेंट माना गया है जब किसके इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रिवर में कभी स्विमिंग करी होगी उनको आइडिया होगा कि वाटर की वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होती इनफैक्ट होता क्या है मैं थोड़ा समझा दूँ जब आप स्विमर बन के किसी रिवर को क्रॉस करते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि नदी के किनारों पे वाटर की वेलोसिटी जीरो होती है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी ऑफ वाटर यहाँ वाटर की वेलोसिटी ज़ीरो होती है यहाँ भी वाटर की वेलोसिटी जीरो होती है और बीच दरिया में वाटर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम होती है यानी कि जब इस किनारे से उस किनारे की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी का प्रोफाइल पैराबोला फॉर्म में आता है ये इस तरह से पैराबोला है पैराबोलिक वेरिएशन होता है विलासटी का ये कर्व ऐसे आएगा किनारों पे जीरो बीच में मैक्सिमम और ये पैराबोलिक्ली बिलासटी इंक्रीज होती है फिर तो पैराबुल वालास्टी डिक्रीज होती हाती हाती है आते आते फिर से जीरो हो जाता है लेकिन इस डेरिवेशन में वीडब्ल्यू को हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट माना जा रहा है ज़बरदस्ती कांस्टेंट माना जा रहा है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर पैराबोलिक वालास्टी ले ले जाए तो डेरिवेशन काफ़ी लेंदी होगा और बच्चे लोग डर जाते हैं पढ़ते नहीं हैं इसको छूते नहीं हैं तो कंपटीशन में भी उसको अवॉइड किया जाता है पर अबोली प्रोफाइल नहीं लिया जाता है नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है स्टूडेंट घबराने लगते हैं इसलिए वी डब्ल्यू को जबरदस्ती हर पॉइंट पे कांस्टेंट यहाँ पे माना गया है थीटा को कांस्टेंट माना गया है सिमर के बॉडी के स्टेमिना कांस्टेंट मानी गई है ताकि ये वी एम डब्ल्यू कॉन्सटेंट बना रहे स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको ये डेरिवेशन सिखाया जा रहा है कि ये तीनों क्वानिटी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो फिर ये पूरी की पूरी क्वानिटी कांस्टेंट हो गई ये भी कांस्टेंट हो गई वी एक्स हो गया वी वाई हो गया कॉनमेटिक्स में आप पढ़ते हो वी एक्स का डेफिनेशन कैलकुलस में डी एक्स टी डी टीक्ल्स डी एक्स बाई वी एक्स वो साइड को इंटीग्रेट करो लिमिट लगा दो टी है इंस्टेंटेनियस टाइम रीडिंग ऑफ स्टॉप वॉच और ये है एक्स की वैल्यू यहाँ तो वी एक्स कॉन्स्टेंट है ऊपर सिखा दिया इसमें अवेरेबल क्या है एक्स की वैल्यू स्विमिंग वो ओरिजिन से शुरू करा था तो इस्टॉप वॉच का रीडिंग क्या था ज़ीरो और एक्स क्वानिट क्या था ज़ीरो अब वो रिवर को क्रॉस कर चुका है तो स्टॉप वॉच का रीडिंग कैपिटल टी हो गया और एक्स की वैल्यू एक्स हो गया डी टी का इंटीग्रल लिख दो टी लिमिट यहाँ लगा दो इस कांस्टेंट को बाहर निकालो डी एक्स का इंटीग्रल एक्स लिमिट लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो अपा लिमिट माइनस लोअर लिमिट टैक्स माइनस जीरो पे टी का फॉर्मूला बनता है एक्स अपॉन वी एक्स ये एक क्रॉसिंग टाइम का पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली वीवाई क्वेश्चन डीवाई बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी टी की वैल्यू आती है डिवाइड अपॉन वी वाई बोथ साइड को इंटीग्रेट करो ओरिजिन पे टी का लोवा लिमिट ज़ीरो ओरिजिन पे वाई का लोवा लिमिट ज़ीरो जब सीमा रिवर क्रॉस कर गया तो टाइम की अपर लिमिट कैपिटल टी और वाई कोऑर्डिनेट की अपर लिमिट डी ये रिवर बिथ है जो वाई की अपर लिमिट है डी टी का इंटीग्रल टी डी वाई का इंटीग्रल वाई और ये तो कॉन्सटेंट ही था इसको बाहर निकाल लो देखो इंटीग्रल लिख डाला अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख डाला टी माइनस जीरो डी माइनस जीरो टी क्वेश्चन डी अपॉन बी वाई ये क्रॉसिंग टाइम का दूसरा फार्मूला तो जो मैंने ऊपर फार्मूला दिखाया था देखो उसका डेरिवेशन हो गया क्रॉसिंग टाइम के दो दो फार्मूले डिराइव हुए हैं अब व्यक्स वी और वीवाई की वैल्यू ला कर कर दो टीवल्स एक्स अपान दैल्यू ऑफ वी एक्स इक्वल्स डी अपान वैल्यू ऑफ वी वाई ये दो फार्मूले बन गए क्रॉसिंग टाइम के अगर x का फार्मूला चाहिए होगा इसके डिनमिनेटर को d में मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेटरल ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बना लो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी टू दिस टोटल अपॉन दिस टोटल सो दिस विल गिव यू लेटल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर इस पूरे से इसको डिवाइड करो टी आएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू और कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेट थीटा फिर इसको डिवाइड करो ये कैंसिल होगा साइन बाई कॉस आएगा टेन थीटा कुछ ऐसा मिलेगा तो ये लेटरल ड्रिफ्ट का एक शॉर्ट फार्मूला बन गया। एक्चुअल पाथ लेंथ एज परसिड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसको स्विमर की बॉडी का एक्चुअल पाथ लेंथ क्या नजर आएगा वो डायग्राम में दिखेगा इक्वल टू वो पी किस एक्चुअल पाथ पर उसकी बॉडी बहती हुई नजर आएगी ग्राउंड ऑब्जर्वर को वो डायग्राम में देखो अगर तुम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो ऑब्जर्वर बन के तो तुमने महसूस किया कि ऑब्जर्वर जो स्विमर है उसकी बॉडी इस लाइन पे जा रही है और यहाँ पे जाके पहुँच रही है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने एक्चुअल पाथ क्या देखा ओ पी देखा ओ टू पी ये एक्चुअल पाथ है जिसपे स्विमर की बॉडी बहती हुई नज़र आएगी तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द स्विमर्स बॉडी इज ओपी पी और ओ पी को पगोरस फोरम से कैसे निकालोगी ये नाइन्टी डिग्री दिख रहा होगा सो ओपी पी इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओपी पी इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओपी की वैल्यू देखो मैंने यहाँ निकाली actual path length as perceived by the ground observer OP P equals under root x square plus d square. अब इसमें केस बनाते हैं ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन हो गया केस वन क्रॉसिंग इन शॉर्टेस्ट टाइम एक स्विमर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है शॉर्टेस्ट टाइम उसके लिए थ्योरी डेवलप करो। कैपिटल टी के दो फॉर्मूले क्रॉसिंग टाइम के दो फॉर्मूले डिराइव करे थे जिसमें से एक फार्मूला ये था अगर इसमें डी को कॉन्स्टेंट माना जाए वैसे भी कुछ घंटों के लिए रिवर का वेट तो कॉन्स्टेंट ही होता है और सिमर की बॉडी की स्टेमिना पे डिपेंड करता है इसको भी कॉन्स्टेंट मान लू इन दोनों को कॉन्स्टेंट मान लूँ लेकिन थीटा को बरेबल मान लूँ इमेजिन करो कि सिमर क्या करता है एक्सपेरिमेंट करता है रिवर को बार बार क्रॉस करता है अलग अलग टाइम पे क्रॉस करता है और अपनी बॉडी को अलग अलग थीटा पे रख के तैरता है वो तो अगर वो एक्सपेरिमेंट करे थीटा को बदल बदल के तो ये जो क्रॉसिंग टाइम है ये भी वेरेबल हो जाएगा मैथ की थ्योरी में अगर कॉस सीटा वेरेबल होगा तो क्रॉसिंग टाइम टी भी वेरिएबल होगा तो मेरे को टी को मिनिमाइज करना है तो टी को मिनिमम करने के लिए थीटा को मैक्सिमम करना होगा और आप जानते हो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन जब यहां वन रख दोगे तो टी का मिनिमम वैल्यू सॉल्व हो जाएगा तो टी मिनिमम कितना आएगा टी अपॉन वी एम डब्ल्यू तो डी अपॉन वी एम डब्ल्यू शॉर्टेस्ट टाइम का फार्मूला बन गया लेकिन इस फॉर्मूले के साथ लिमिटेशन क्या होगा लिमिटेशन होगा कॉस थीटा वन एंड थीटा इक्वल जीरो आपको पता है कॉस जीरो वन होता है तो थीटा की वैल्यू जीरो आएगी इसका मतलब कि स्विमर अपनी बॉडी को वाई एक्स के पैरेलल रखेगा अभी तो थीटा जीरो होगा और एक्सिस के रख के रख हाथ पैर चलाएगा तो टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाएगा तो टाइम का डेरिवेशन हो गया डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा वो अपनी बॉडी को वाई एक्सिस के पैरेलल रखेगा थीटा जीरो हो गया हाथ पैर चलाएगा लेकिन वो यहां नहीं पहुंचेगा उसकी बॉडी तो सचमुच की वीएम विलास्टी से जाती हुई नजर आएगी आई मीन एक्चुअल व्लास्टी तो एक्चुअल वालास्टी तो पहले लो ग्राम ही निकलता है तो उसकी बॉडी ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी और बॉडी अभी भी पॉइंट पी पे पहुँचेगी लेकिन ये जो टाइम टेकन होगा ये जरूर मिनिमम होगा जो ऊपर फार्मूले निकाले हो लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं होगा तो एक्स का फॉर्मूला डेवलप करो टी मिनिमम तो डिराइव हो गया देखो ये पिछले पेज पर एक्स का फॉर्मूला ऐसे बना था यहाँ थीटा था यहां थीटा था सो करेस्पॉन्डिंग लेटर डिफ निकालने के लिए डेरिवेशन के मुताबिक थीटा को जीरो रखना होगा यहाँ भी थीटा को जीरो रखना होगा तो आपको पता है sec जीरो वन होता है और टाइम जीरो जीरो होता है यहाँ पे वन रख दो यहाँ जीरो रख दो जो कुछ भी बचेगा ये लेटरल डिफ्ट का फार्मूला बन गया ये सब न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे करेस्पोंडिंग लेटरल डिफ्ट फॉर द क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम तो आप ये फार्मूला यूज करोगे दिन करस्पॉन्डिंग एक्चुअल पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ लेंथ आपको पिछले पेज पे एक्सप्लेन रहा हूँ। तो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो यहाँ डिराइव करे हो स्क्वायर करो प्लस डे स्क्वायर करो और डे स्क्वायर को रूट के बाहर कॉमन निकाल लो रूट के बाहर कॉमन निकालोगे तो सिंगल डी होगा तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ क्या बचेगा वन एक्चुअल पाथ लेंथ ओपी का फॉर्मूला बन गया केस टू बनाओ केस टू के दो पार्ट होंगे ए एंड बी ए पार्ट में आपको सिखाने जा रहा हूं क्रॉसिंग थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ वी ग्रेटर देन वी डब्ल्यू ये जो रिलेटिव लास्टी है वो वी डब्ल्यू से ज्यादा भी हो सकता है वी डब्ल्यू से कम भी हो सकता है और वी डब्ल्यू के बराबर भी हो सकता है ये मैं एक केस ले रहा हूँ इसमें इसको ग्रेटर ले रहा हूँ एज कम्पेयर टू वी डब्ल्यू और क्रॉसिंग की थ्योरी डेवलप करने जा रहा हूँ कंडीशन है शॉर्टेस्ट पार्ट सबसे छोटे रास्ते पर स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा इसका डायग्राम देखो इसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने के लिए स्विमर को थीटा इक्वल साइन इन वर्स वन बाईटा एंगल पे हाथ पैर चलाना पड़ेगा वेयर ईटा इज वी एम डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वन शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इक्वल टू डी एंड टोटल टाइम टेकन इन क्रॉसिंग कैपिटल टी क्व देश आर देश आर देश आर देश ये सो हो गया फार्मूला अभी कैसे डिराइव होगा पहले तुम ये डायग्राम समझो अगर स्विमर रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस कर रहा है तो तुम रियलाइज करो कि वाई एक्सिस सबसे छोटा रास्ता होगा किसी भी रिवर को क्रॉस करने के लिए वाई एक्सिस सबसे छोटा रास्ता होगा और इसका लेंथ कितना होगा इक्वल टू डी इससे छोटा तो रास्ता हो ही नहीं सकता तुम्हारा दोस्त या ग्राउंड ऑब्जर्वर जो नदी के किनारे खड़ा है उसको दिखना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो सचमुच का वाई एक्सिस के पैलल है तुम्हारी बॉडी ऐसे बहती हुई जा रही है और एग्जैक्टली पॉइंट पी पे पहुंचती है तब तुम्हारा दोस्त रिपोर्टिंग करेगा कि आज तुमने सबसे छोटे रास्ते पर रिवर को क्रॉस किया है अगर तुम्हारी बॉडी एक्चुअल के पॉइंट पी पे पहुँचेगी तो इसका एक्स प्वानेट क्या होगा जीरो और वाई प्वानेट डी और ये तुम्हारा क्रॉसिंग टाइम लेकिन अगर एक्चुअल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे होगा तो पैलेलोग्राम कैसे बनेगा वी डब्ल्यू तो हमेशा एक्स के पैलेल ही दिखाओगे क्योंकि रिवर का डायरेक्शन तो आप बदल नहीं पाओगे ये तो ऐसे ही दिखेगा यह एक थीटांगल पे अपनी बॉडी को घुमा लो पे बॉडी को घुमा के हाथ पैर चलाओ और इस प्रकार से एक पैलेलोग्राम पूरा करो ताकि जो डायगोनल मिले डायगोनल एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे मिले तब तो जाके पैलेलोग्राम कंप्लीट हो पाएगा अगर इस पैलेलोग्राम को बहुत ध्यान से देखो पॉसिबल तभी होगा जब यह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और यह लाइन वी के पैरेलल होगी और ये एंगल 90 हुआ तो जोमेटिकली ए भी 90 होगा और अगर यह 90 होगा तो यह हाइपो होगा और आप अच्छे से पहचानते हो कि हाइपो का जो लेंथ होता है वो बाकी के दो साइड से ग्रेटर होता है यानी कि इससे भी ग्रेटर होगा और इससे भी ग्रेटर होगा आई मीन जो हाइपो है वो रिलेटिव इलास्टी है अगर वो इससे ग्रेटर होगा तो वो वी डब्ल्यू से ग्रेटर होगा क्योंकि अगर ये वी डब्ल्यू है इसका भी लेंथ वी डब्ल्यू होगा तो इसकी वैल्यू वी डब्ल्यू से ग्रेटर होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए तभी डायग्राम पॉसिबल होगा तो शॉर्टेज पाथ पे क्रॉस करने के लिए एसेंशियल कंडीशन होगा कि वी एम डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वी डब्ल्यू तभी फार्मूले कैसे बने इसका डेरिवेशन देखो देखो इस डायग्राम में साइन थीटा की वैल्यू निकालो साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस हाइट की वैल्यू क्या मानी जाएगी वी डब्ल्यू और हाइपोटेन्यूस क्या दिखाओगे वी एम डब्ल्यू तो साइन थीटा हो गया वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू अच्छा थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग टाइम का ये जनरल फार्मूला तुम डिराइव कर रहे हो जनरल इस फार्मूले में कॉस थीटा को साइन थीटा में ऐसे लिख सकते हो और साइन थीटा जो यहाँ से निकाले हो क्या निकाले हो देखो यहां देखो अगर साइन इनवर्स के इधर लाते हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलती है वन बाई ईटा और ईटा की वैल्यू बी एम डब्ल्यू अपॉन बी डब्ल्यू अगर इसका रिसिप प्रोकल यहाँ ला के रखो तो यहाँ क्या मिलने जा रहा है यहाँ मिलने जा रहा है वी डब्ल्यू अपान वी एम डब्ल्यू डायग्राम में साइन थीटा तो वही निकाले हो ना वी डब्ल्यू अपान वी एम डब्ल्यू यहाँ भी मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स वी डब्ल्यू अपान वी एम डब्ल्यू मिलेगा तो उसको ईटा में कन्वर्ट कर डालो साइन इनवर्स ले लो तो यहां से हो गया थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू जो यहाँ वन बाई ईटा है और ईटा यहाँ डिफाइंड है तो वन बाई ईटा तुम इस फॉर्मूले में ला रखो यहाँ ला रखो वन बाई ईटा कर दिया ईटा स्क्वायर को वन में मल्टीप्लाई करो कर दिया डिनोमिनेटर में ईटा स्क्वायर आएगा उसको रूट के बाहर निकालो पलट के ऊपर ले जाओ फिर ईटा की वैल्यू पुट करके इसे कटा दो तो तुम देखोगे कि ये बन जाएगा ईटा स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे आएगा वी डब्ल्यू यहाँ आएगा डी तो ये एक्चुअल क्रॉसिंग टाइम का ये बन गया फार्मूला जब रिवर को आप शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस कर रहे होगे ट एक्चुअल क्रॉसिंग टाइम इस फार्मूले से निकालोगे और आपकी बॉडी एग्जैक्टली पॉइंट पी पर पहुंचेगी तो लेटरल डिफ्ट की वैल्यू क्या होगी जीरो और एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा आपकी बॉडी एक्चुअल इसी रास्ते पे जाएगी पाथ तो लेंथ की वैल्यू डी के बराबर होगा डी के बराबर होगा तो ये हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन क्रॉसिंग द रिवर एलॉन्ग शार्टस्ट पाथ ये मैं डील किया ए पार्ट और ये था कंडीशन इसका जो बी पार्ट होगा उसको कभी कंफर्टेबल रहने पे मैं डिराइव करूंगा इसका जो बी पार्ट है इस पे क्वेश्चन कभी कभी यही एडवांस में पूछे गए क्रॉसिंग थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ इफ वी एम डब्ल्यू इज लेस देन बी डब्ल्यू जिसकी पूरे एनालिसिस आपको मैं बाद में कराऊंगा। अभी जो ज़्यादा पॉपुलर केसेज है उसका मैंने फार्मूला डिलाइव करवा दिया अब मुझे इन सभी फार्मूले का अप्लीकेशन आपको सिखाना होगा इस पर न्यूमेरिकल कराना होगा उसके लिए मैं अगले एपिसोड का इंतजार करूंगा, और उस अगले एपिसोड में मैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस रिवाइज करा के उस पर न्यूमेरिकल करना आपको सिखा दूंगा सो so, प्यारे बच्चों आई होप आप कंसंट्रेट रहोगे तो ये पूरी एनालिसिस आपको ठीक से समझ में आएगी और एक बार आप ठीक से समझ लोगे तो नूमेरिकल करने में आपको डर नहीं लगेगा हाँ नहीं तो इसके नूमेरिकल भी डराएंगे अगर इस डायग्राम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा एनालिसिस पे पकड़ नहीं होगी तो न्यूमेरिकल आपको डराएंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके एनालिसिस ठीक से पढ़ लो और एक बार फिर से रिवाइज करके Confidence gain. So, thank you and good night.